हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और ये हम देख रहे हैं जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये सीरीज बना रहे हैं हम जावा प्रोग्राम्स की। तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी जावा डेवलपमेंट किट। तो आप कैसे, आपको फाइंड करना है गूगल में जाकर, ठीक है, जावा डाउनलोड, ठीक है, 32 बिट और 64 बिट्स। ये आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे जो जैसे आपका सिस्टम है। तो सबसे पहले हम JDK हमें इंस्टॉल करना होगा अपनी विंडोज़ पर, ठीक है। और जब अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अवंतु के लिए, लिनक्स के लिए और विंडोज़ के लिए सब किस 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 चीज़ के लिए आप इसमें, किस सिस्टम के लिए आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो JDK। और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, तो गूगल में जाएंगे, टाइप कर दीजिए JDK, ठीक है। तो वो वहाँ पर बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं, तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया, और भी हो सकते हैं, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ, तो फिर हम इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ पर ये सेव होता है, ठीक है, कहाँ पर इंस्टॉल होगा ये, किस, ठीक है, किस जगह पर। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये जानकारी ले लेते हैं जो बिगनर से, तो देखते हैं ये हमारे सिस्टम पर कहाँ पर इंस्टॉल है। तो क्योंकि सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव मैं जाकर हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में आपको सर्च करना है जावा, तो जैसे जावा मिल जाएगा आप तो उसमें एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ इस तरह से देखिए, ठीक है, और जावा को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि सारे आगे जो जितने प्रोग्राम्स आएंगे, वीडियोज़ बनेंगे, वो सब प्रोग्राम हम प्रोग्राम करेंगे। कोई भी थ्योरी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, लो लेवल से हाई लेवल तक हम चलेंगे, ठीक है, और प्रोग्राम्स ही बनाएंगे सिर्फ। तो यहाँ नेक्स्ट फोल्डर में चलाता हूँ, JDK यहाँ एंटर कर लेता हूँ। तो अब फिर बिन में चला जाता हूँ मैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये थे, BIN बिन बिन में जाकर आप अपनी जावा डॉट जावा फाइल क्रिएट करें और उसको CMD कमांड प्रॉम्प्ट पर आप इसको ये एड्रेस लिखकर और वहाँ पर इसको कंपाइल करें और रन करें। दूसरा तरीका कि यहाँ मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये पाथ बिन तक का, और इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल हम वहाँ पर सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों, हम आगे वीडियोस में कोई भी थ्योरी नहीं रखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिकल करना है हमें इस सीरीज में, ठीक है, प्रोग्राम्स ही प्रोग्राम्स बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं कंट्रोल पैनल को सर्च कर लेता हूँ, और कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे सिस्टम पर, सिस्टम के बाद आप जाएंगे एडवांस, एडवांस्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल का। यहाँ जाएंगे ऊपर वाले में, आप पाथ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप वो कॉपी पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया है पाथ जावा का, ठीक है, बिन तक का पाथ है, बिन फोल्डर तक का। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और जब ये बंद हो जाएगा तो ठीक है, फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ। अब आप कहीं भी एक फोल्डर बना सकते हो और वहाँ पर जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सकते हो। तो मैंने यहाँ बनाया हुआ डी, मैंने डी में, ठीक है, डी ड्राइव में मैंने जावा नाम का एक फोल्डर बनाया, तो मैं अपने प्रोग्राम्स यहीं बनाऊंगा सारे, ठीक है, और यहीं से कंपाइल करूंगा और कॉपी करूंगा। आप कहीं भी बना लीजिए, तो दोस्तों इस तरह से हम ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, तो यहाँ हमें जाना है डी ड्राइव में, डी के बाद जावा में, और जावा में यहाँ पर आपके प्रोग्राम सारे इंस्टॉल, ये जो बनाएंगे आप यहाँ पर सेव होंगे, ठीक है। अब आप कहीं भी प्रोग्राम बना सकते हो जब आप एक बार इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव कर